सीधे आपको जंतर मंतर लिए चलते हैं, जहां पर रेसलर्स की इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है कि उनको हर एक पद से हटाया जाए, जो वो सांसद हैं चाहे वो रेसलिंग फेडरेशन को संभाल रहे हैं, क्योंकि जब तक वो उस पद पर रहेंगे वो उस पद का गलत यूज करेंगे, जांच को प्रभावित करेंगे, और हम निष्पक्ष जांच चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट पर हमें पूरा विश्वास है, देश की अदालत के सामने भी हम आए हैं, पूरे देश पर हमें विश्वास है कि हमारे साथ न्याय होगा। सबसे पहले तो मैं जितने भी खिलाड़ियों ने हमारे समर्थन में ट्वीट किए हैं, क्योंकि मैंने खिलाड़ियों से अपील की थी कि अभी हमें एकजुट होने की ज़रूरत है, तो जितने भी खिलाड़ियों ने भारत में इंडिविजुअल गेम में 2 ओलंपिक गोल्ड है, और दोनों ओलंपिक गोल्ड ने खिलाड़ियों के हक में ट्वीट किए हैं, क्योंकि वो खिलाड़ियों का दर्द समझते हैं। और जो दिल्ली पुलिस अभी तक FIR दर्ज नहीं कर रही थी, मैं उनको बताना चाहूँगा कि ब्रिजभूषण रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, अगर कोई अध्यक्ष किसी खिलाड़ी के साथ ऐसे शोषण करता है तो वो किसके पास जाएगा शिकायत करने के लिए? तो उनको तो तुरंत जेल में डाल देना चाहिए अभी, क्योंकि उनके पास उनको ऑर्डर मिल चुके हैं अभी सुप्रीम कोर्ट से भी कि भाई आप FIR दर्ज करिए। जब ऐसे फेडरेशन के अध्यक्ष ही ऐसे शोषण करते रहेंगे तो किसके पास शिकायत लेके जाए खिलाड़ी? उनसे बड़ा तो उस फेडरेशन में कोई नहीं है। तो मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, उनको जेल में डालना चाहिए जल्दी से जल्दी। और जो सभी महिला संगठन हैं जो भी यहाँ हमारे सपोर्ट में आए और अपने एरिया में जो हमारे लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। कई महिलाओं ने गिरफ्तारी भी है अपना, हाँ पूरे इंडिया में कश्मीर से कन्याकुमारी तक बहुत महिला संगठनों ने हमारा सपोर्ट किया है, समर्थन किया है, गिरफ्तारी भी दी है, तो सब इतना मिलजुल के हमारे साथ आ रहे हैं, तो मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। काफ़ी अच्छा लगा आज देख के कि आज बहुत सारे एथलीट ने हमारे पक्ष में ट्वीट किया है, काफ़ी बॉलीवुड के जो स्टार हैं उन्होंने भी समर्थन दिया है और वो भी हमारे साथ में न्याय की मांग कर रहे हैं। लेकिन मेरा अभी भी खिलाड़ियों से एक फिर अपील रहेगा, और पहले भी मैं वही बोल रही थी, अगर देश में खेलों को बचाना है तो ऐसे लोगों के चंगुल से पहले स्पोर्ट्स को छुड़ाना होगा। ये सिर्फ कुश्ती की बात नहीं है, ये हर स्पोर्ट्स की बात है। मैं खुद स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, काफ़ी दूसरे एथलीट से जो दूसरे गेम में हूँ उनसे भी मेरा कॉन्टेक्ट रहता है, मेरे फ्रेंड्स भी हैं, सभी परेशान हैं, हर किसी से सब परेशान हैं। तो मैं आप सब के माध्यम से अपनी एक आवाज़ उन तक पहुँचाना चाहती हूँ, और जितने भी फ्रेंड्स हैं सोशल मीडिया पे, मैं उनसे भी कंटिन्यू टच में रहने की कोशिश करूंगी कि अगर देश को, देश का भविष्य अगर स्पोर्ट्स में बचाना है तो हमें एक साथ आना होगा। और सिर्फ सोशल मीडिया पे आप हमारा समर्थन कर रहे हैं, हम बहुत शुक्रगुजार हैं उसके कि आप हमारे लिए न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन जो अदर स्पोर्ट्स में जो एथलीट सर्वाइव कर रहे हैं, जो अपनी आवाज़ उठा नहीं सकते हैं या उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है या वो बोल नहीं सकते हैं किसी कारणवश से, वो उस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं अभी तक, उनकी आवाज़ आप बन सकते हैं, आज हमारे देश में स्पोर्ट्स को बचा सकते हैं। तो मेरा आज भी यही अपील रहेगा कि हम जंतर मंतर पे हैं कंटिन्यू अपने हक की, अपने न्याय की मांग के लिए, आप भी हमारे समर्थन में आइए और हिंदुस्तान के स्पोर्ट्स को बचाने के समर्थन में आइए, क्योंकि अगर आप लोग नहीं आज नहीं आए ना तो कभी भी दोबारा ये ऐसा मौका नहीं आना है ज़िंदगी में कि हम हिंदुस्तान के स्पोर्ट्स को बचा लेंगे। FIR अगर दर्ज हो रहा है, अगर लड़कियों ने कंप्लेंट्स दी है तो FIR दर्ज करने के लिए मुझे लगता है कि ये इनफ है। जो भी सबूत देने होंगे, पहले हमने बहुत काफ़ी सबूत दिए हैं, लेकिन अभी आगे जितने भी सबूत देने होंगे हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करेंगे, ना कि किसी कमेटी के सामने या दिल्ली पुलिस के सामने। देखिए जो FIR पहले दिन होने थी।
तो हमने आपको सुनवाई ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, कुश्ती बचाओ कुश्ती बढ़ाओ इसी प्लेकार्ड के साथ। ये तमाम वो पहलवान जो ये मांग कर रहे हैं कि बृजभूषण शरण सिंह जो कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं उनको हटाया जाए, सुप्रीम कोर्ट पर हमें पूरा यकीन है। ये विनेश फोगाट को हमने आपको सुनवाया, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया भी उनके साथ बैठे हुए हैं और लगातार इन पहलवानों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। ओलंपिक मेडल जीते हुए नीरज चोपड़ा ने भी आज इनका समर्थन किया, तमाम बॉलीवुड के जो बड़े स्टार्स हैं उन्होंने भी समर्थन किया, लेकिन पीटी उषा ने कल कहा था कि यह अनुशासनहीनता है। इस पर काफी रोना धोना भी मचा था और यह कहा गया था इन महिला खिलाड़ियों की तरफ से कि आप तो एक महिला हैं, कम से कम हमारा दर्द समझिए। लेकिन फिलहाल आपको यह तस्वीर जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर से, जहां पर विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया के साथ तमाम वो पहलवान बैठे हुए हैं धरना प्रदर्शन पर, जो ये मांग कर रहे हैं कि बृजभूषण शरण सिंह को हटाया जाए, उनके खिलाफ जांच की जाए। अंजलि सिंह हमारे साथ जंतर मंतर से जुड़ रही हैं। अंजलि, लगातार हम दिखा भी रहे हैं अपने तस्वीर जो दर्शक हैं उनको ये तस्वीरें और सुनवा भी रहे हैं विनेश फोगाट को। अब ये कह रहे हैं ये खिलाड़ी कि अब हम किसी कमिटी के सामने या दिल्ली पुलिस के सामने कुछ नहीं रखेंगे, अब हमें जो भी सबूत रखना होगा वो सीधे सुप्रीम कोर्ट के सामने रखना होगा, इसको कैसे समझे? जी देखिए, खिलाड़ियों की ये दलील है कि अभी तक जो इंतज़ार उन्होंने किया है, जनवरी में जब अपना धरना खत्म किया था उसके बाद से जो इंतज़ार किया है, तो अभी तक कोई न्याय नहीं मिला था। जो मांगे थी वो नहीं मानी गई, ना जांच कमेटी की रिपोर्ट सामने आई, तो उसके बाद उन्हें मजबूर होना पड़ा इस धरने पर बैठने के लिए, ये उनकी दलील है। और अभी जब आप साक्षी मलिक और विनेश फोगाट को सुन रहे थे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिनके खिलाफ ये मामला है वो काफ़ी रसूखदार है और वो ऐसे पद पर बैठे हैं जहाँ पर जाँच प्रभावित हो सकती है। यही वजह है कि धरना जो है अभी जारी रहेगा और इसके साथ साथ ये भी मांग की जा रही है कि पहले उनको बर्खास्त। अंजलि, मुझे तालियां बजाने की आवाज भी आपके पीछे से सुनाई दे रही है, मैं चाहती हूँ कि आप दर्शकों को जरा तस्वीरें भी दिखा दें इस समय वहां पर कितनी संख्या में लोग मौजूद है, क्या कुछ चल रहा है वहां पर। जी, आपको हम तस्वीरों में दिखाएंगे कि किस तरह से सुबह से ही जो राजनेताओं के आने का भी यहाँ पे ताता लगा हुआ था, खाप पंचायत से जुड़े हुए भी कई लोग आए और अभी कई समर्थक भी हैं, कई खिलाड़ी भी हैं इसमें जो यहाँ बैठे हैं, कई लोग आम लोग भी हैं जो यहाँ धरने से जुड़ने आए हैं और इस समय लगातार एक एक करके जो लोग आ रहे हैं संबोधन के बाद खिलाड़ियों के का उत्साह वर्धन करने के लिए नारे भी लगाए जा रहे हैं, तालियां भी बजाई जा रही हैं। अभी चूंकि यहाँ पर सवाल जवाब का सिलसिला जो है वो चल रहा है खिलाड़ियों के साथ, कोई ऐसा जवाब दिया जाता है जिस सपोर्ट मिल रहा है उन्हें अपने साथी खिलाड़ियों से जो यहाँ धरने में शामिल हैं या उन लोगों से जो उनके साथ यहाँ धरने में जुड़े हुए हैं, बजाकर उनका वर्णन कर रहे हैं। अंजलि की आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच रही है, हम फिर कोशिश करते हैं कि अंजलि से हम ये सुन लेते हैं एक बार, बजरंग पुनिया क्या कह रहे हैं। आपस में लड़ाई चल रही है, तो आपस की जो मतभेदों में तो वो क्या खिलाड़ियों के साथ, उन्होंने सारे सवाल ऊपर नीचे करके खिलाड़ियों के सोर्सेज के हिसाब से निकाल सोर्सेज के सारे सबको निकाल दिया कि खिलाड़ियों ने कोई सबूत ही नहीं दिया। अगर खिलाड़ियों ने सबूत नहीं दिया तो आज सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया दिल्ली पुलिस को कि एफआईआर की जानी चाहिए। इसी में मैं एक बात ऐड करना चाहूँगी, जो इंटरनल कमेटी जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने बनाई थी उसमें एक सदस्य है राधिका श्रीमन, हमने उनका एक आर्टिकल देखा है, उसमें उन्होंने बोला है कि एक लड़की ने हरासमेंट की शिकायत की थी, लेकिन सोर्सेज के हवाले से तो वो एक लड़की भी सामने नहीं आ रही, उसके बिहाफ पे तो एफआईआर होना चाहिए था। देखिए, उच्च न्यायालय के सामने ये मामला जा चुका है, उच्च न्यायालय के अलावा हमें किसी कमेटी पे, किसी सदस्य पे, किसी पे भी कोई विश्वास नहीं है। अगर हम जाएंगे तो देश की अदालत में जाएंगे या हम उच्च न्यायालय के सामने जाएंगे। ये बात हो रही थी कि कल सबसे पहले तो दिल्ली पुलिस पर देखो हमें भरोसा नहीं है, क्योंकि 6 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद उन्होंने एफआईआर की है, तो सबसे पहले तो यही है कि फेयर इन्वेस्टिगेशन हो और पुलिस को भी सही और कर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन हम जो मेन है वो सुप्रीम कोर्ट के आगे अपने बयान देंगे और बस फिर फेयर डिसीजन होना चाहिए।
तो साक्षी मलिक को आपने सुना, उनका कहना है कि हमें दिल्ली पुलिस के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं है, एफआईआर करने के लिए हमें इतनी मेहनत करनी पड़ी और अब सुप्रीम कोर्ट में जाकर यह कहा गया कि एफआईआर आज शाम को दर्ज होगी। पहलवानों के प्रदर्शन पर दिल्ली से इस वक्त हमें एक बड़ी खबर मिल रही है, महिला रेसलर्स की शिकायत पर आज दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी। दिल्ली पुलिस की ओर से ये जानकारी सुप्रीम कोर्ट में दी गई है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने का फैसला किया है और ये एफआईआर आज ही दर्ज हो जाएगी। पूरा मामला जो है वो रेसलर्स के फेडरेशन अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगाए गए आरोपों से जुड़ा हुआ है। तो तस्वीर में हम आपको दिखा भी रहे हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह आपको दिखाई दे रहे हैं। ये शिकायत काफी दिनों से लगातार पहलवानों के द्वारा की जा रही है, एक कमेटी का गठन किया गया था, जांच भी की गई थी, लेकिन खिलाड़ियों का कहना है कि वो इस जांच से संतुष्ट नहीं है। अंजलि सिंह जी न्यूज संवाददाता लगातार हमारे साथ बनी हुई है। अंजलि, जांच आयोग से ये खिलाड़ी संतुष्ट नहीं है, ये कहते हैं कि साहब हम जो भी कुछ करेंगे या रखेंगे सबूत वो हम सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे, लेकिन एफआईआर दर्ज करने का तो आज इनको आश्वासन मिल गया है, क्या उसके बाद भी ये आपको संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहे? क्या आपने बात खिलाड़ियों से? जी देखिए, अभी तक किसी ने अलग से तो बात नहीं की, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट कर दिया इन्होंने जो है वो नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जब आज ये निकल कर आया कि एफआईआर दर्ज होगी तो उस फैसले का स्वागत जरूर किया गया है इन खिलाड़ियों की ओर से, लेकिन इसके साथ साथ ये भी साफ किया गया है कि ना तो जांच आयोग जो अभी तक बनाया गया था इस पूरे मामले की जांच के लिए उसकी रिपोर्ट पर भी कोई भरोसा नहीं है, और ना ही तो जो एफआईआर दर्ज होगी क्या वो उस सख्ती के साथ वो धाराएं उसमें अप्लाई की जाएंगी। ये सवाल जो भी यहाँ साक्षी मलिक ने उठाया भी, वो तमाम चीजें इंक्लूड की जाएंगी एफआईआर में या नहीं, इस पर भी संशय जो है वो जताया गया है, और कहीं ना कहीं सवाल अभी भी ये खिलाड़ी लगातार उठा रहे हैं कि जांच क्या निष्पक्ष होगी या नहीं होगी, और यही वजह है कि बर्खास्तगी की भी मांग की जा रही है, और ये भी कहा जा रहा है साफ तौर पर कि दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं है, इसलिए अब जो भी आगे का कदम होगा वो न्यायालय के थ्रू ही होगा, यानी न्यायालय ही जरिया होगा हमारा। तो अब देखना होगा कि ये जो एफआईआर दर्ज होती है उसमें तमाम वो एक्ट्स लगते हैं या नहीं जिस पर खिलाड़ी संशय जता रहे हैं, लेकिन जांच प्रभावित करने की भी बात कर रहे हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस को भी अगर हम देखें तो शायद बैकफुट पर इसीलिए आना पड़ा क्योंकि ये जिस तरह के आरोप थे उस पर एक आम कानून की भाषा में समझे तो उस पर एफआईआर दर्ज कर लेनी चाहिए थी तब तक दिल्ली पुलिस को, और यही वजह सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि क्या ये जांच निष्पक्ष हो पाएगी या नहीं। जी बिल्कुल, और कोर्ट भी यही कहता है कि एक महिला अगर कुछ भी कह देती है, वो कोई भी आरोप लगा देती है तो एफआईआर तो फौरन दर्ज होनी चाहिए, उसके बाद पूरे मामले की जांच होती रहेगी। लेकिन अंजलि, मेरा सवाल आपसे ये भी है कि अभी तक तो ऐसा लग रहा था कि ये खिलाड़ी अलग थलग पड़ रहे हैं, लेकिन अब इनको बॉलीवुड से भी समर्थन मिल रहा है, खुद नीरज चोपड़ा वहां पर पहुंच गए जो कि ओलंपिक मेडल विनर है, तो कुल मिलाकर अब ये क्या मजबूत स्थिति में आते जा रहे हैं ये जो पहलवान यहाँ पर जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, और ब्रजभूषण सिंह के लिए मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं? जी देखिए, बिल्कुल ये आप कह सकते हैं कि ये एक प्रेशर भी है शरण सिंह पर भी, और यही वजह है कि धीरे धीरे एकजुटता, इस बार आपने देखा होगा कि जो धरना था शुरू से ही रणनीति जो है वो अलग रही, शुरुआत में वो चेहरे तक नहीं दिखाई दे रहे थे जो पहले, इससे पहले जनवरी में जब ये खिलाड़ी धरने पर बैठे थे तो इनके साथ सम्मिलित थे, लेकिन आज की अगर बात करें तो एक से बढ़कर एक तमाम चेहरे आए क्योंकि खिलाड़ियों ने इस बार खुले तौर पर कह दिया था कि इस बार मंच सभी के लिए खुला है, सब लोग आए और ज्वाइन करें, अलग अलग जगहों से समर्थन भी मिल रहा है। बिल्कुल, और जैसा कि अंजलि जी न्यूज संवाददाता हमें जानकारी दे रही है कि इन खिलाड़ियों को काफी समर्थन मिल रहा है, अब बड़े बड़े लोग इनके इस धरना प्रदर्शन में जुड़ रहे हैं, लोग ट्वीट कर इनको इनको इनके साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में भी दिल्ली पुलिस के द्वारा सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि दिल्ली पुलिस अभी एफआईआर दर्ज करेगी, लेकिन खिलाड़ी अभी मानने के लिए तैयार नहीं है, ये जानकारी अभी नहीं मिल पा रही है कि एक धरना प्रदर्शन जो है ये आगे अभी कैरी ऑन करेगा, बताइए आगे भी जारी रहेगा या एफआईआर दर्ज होने के बाद अब ये खिलाड़ी मान जाएंगे और जांच आगे बढ़ेगी। तो पहलवान आखिरकार अभी भी जंतर मंतर पर क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और आखिर सरकार और पहलवानों के बीच क्यों नहीं बन पा रही है, सहमति क्यों नहीं है, इसी ये समझाते हैं आपको। जांच रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है, सरकार ने हर खिलाड़ी की बात सुनी है, ये अनुराग ठाकुर खेल मंत्री हम आपको दिखा रहे हैं, पर ये मंत्रालय की तरफ से कहा गया है। 2 मिनट भी खिलाड़ियों को नहीं दिए गए, 12 घंटे खेल मंत्री ने बैठक की, जांच रिपोर्ट पब्लिक की जाए ये खिलाड़ियों की मांग है, कमेटी में महिला सदस्य रखे गए थे, तय सीमा में कार्यवाही नहीं,
एडहॉक कमेटी भी बनाई गई थी, ये मंत्रालय की तरफ से कहा जा रहा है। तो ये सरकार वर्सेस खिलाड़ियों के बीच में जो जंग चल रही है इस समय, जो खींचतान चल रही है, वो हम आपको इस ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। और पहलवानों के प्रदर्शन पर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि रेसलर से बात कर बनी थी कमेटी, कमेटी के सामने सबको मौका मिला था, कमेटी में ज्यादा महिला सदस्य थी, खुलकर बात रख सकती थी ये रेसलर्स। मैंने स्वयं व्यक्तिगत रूप से मिला, भारत सरकार की खेल सचिव मिली, हमारे अधिकारी मिले, मैं भी कई घंटों तक, एक दिन नहीं दो दिन उनसे मिला, उनसे बातचीत करके कमेटी का गठन किया गया, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का, ओवरसाइट कमेटी का। उस कमेटी के सामने जितने लोगों को पेश होना था सबको अवसर दिया गया, और अवसर देने का मतलब यह कि जिसको जो भी बात रखनी थी वो रखें। जब ये कमेटी बनी उस कमेटी में भी महिलाओं को ही ज्यादा तादाद में रखा गया, और इसलिए था कि महिलाओं के सामने महिला अपनी बात खुलकर कर सकती है, और सबको अवसर दिया गया।